बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इयाक नाबुदु व इयाक नस्तईन। जो हम गाइस सेकेंड ईयर बायोकेमिस्ट्री एंडोक्राइनोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सी मैंने डिस्कस कर दी। अभी मैं सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन डिस्कस करने लगा हूँ। T3 और T4 में क्या होता है? थायराइड के यही हार्मोन है ना, T3 और T4। अब ये क्या है? अच्छा, थायराइड का ग्लैंड को थोड़ा सा देख लें। इसके अंदर क्या होता है? थायराइड फोलिकल्स होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो है ना कोलाइड होते हैं। प्रोड्यूस इन दी फोलिकल मतलब सारे का सारा T3 और T4 इसके अंदर प्रोड्यूस होता है फोलिकल, लेकिन वो स्टोर कहाँ पे होता है? कोलाइड्स, मतलब अंदर जो होता है ना वो सारे का सारा कोलाइड उसके अंदर जो है ना वो स्टोर हो जाता है, बनता फोलिकल में स्टोर कोलाइड के अंदर होता है। एक बात ये याद है। अच्छा, T3 और T4 में जो होता है ना, अब ये क्या फ़र्क है कि पोटेंशियल सबसे ज़्यादा जो है ना T3 का होता है, लेकिन हाफ लाइफ आई थिंक जो है ना वो T4 की ज़्यादा होती है, T3 की हाफ लाइफ कम होती है, लेकिन पोटेंशियल T3 का मतलब ज़्यादा जो अग्रेसिव है ना वो T3 है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट है ना वो T3 और T4 में थोड़ा सा एक बात मैं एक मिनट फोकस कर लूँ। ओके, ये क्या था? ये थायरोग्लोबुलिन चेन एक तो पहले बनती है, ठीक है। अब ये थायरोग्लोबुलिन चेन और इसके अलावा हमारे पास आयोडीन का रोल होता है, मतलब जिसको आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है थायराइड ग्लैंड की भी हार्मोन की डेफिशिएंसी होती है ना, हम कहते हैं। तो बेसिकली आयोडीन का एक रोल होता है एक थायरोग्लोबुलिन चेन, मतलब यूँ एक लंबी सी चेन बनती है, ठीक है। अभी हम सारा डिस्कस करते हैं। अब क्या है डाइट में? सबसे पहले क्या आई? आयोडीन। हमने आयोडीन नमक खाया तो क्या होगा? GIT ट्रैक से जो है ना वो ब्लड के अंदर अब्जार हो गया। ये आयोडाइड के आई नेगेटिव में आई थिंक आयोडाइड कहते हैं ना इसे, ठीक है। आयोडाइड के फॉर्म में जो है ना वो क्या करता है? ये सारे का सारा मैंने बनाया हुआ है थायराइड फोलिकल, ठीक है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये होप्स आपको आइडिया होगा। थायराइड फोलिकल को ये क्या करता है? क्रॉस करता है और यहाँ पे क्या होती है? इसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। अब आई नेगेटिव की जब ऑक्सीडेशन होगी, मतलब हमने नेगेटिव चार्ज कसम खत्म करना है, तो ये I2 की फॉर्म में आ गया। आई नेगेटिव I2 ऑक्सीडेशन के बाद I2 की फॉर्म में। I2 क्या करता है? ये अंदर आता है कहाँ पे? ये अटैच करता है I2 टू दी रेजिडेंट चेन, मतलब ये जो हमारे पास थायरोग्लोबुलिन चेन बनी थी ना इसके साथ आके I2 अटैच हो जाता है। सिंपल यही है। अब क्या होगा? आयोडीन ने तो अपना काम कर लिया सारे का सारा, ठीक है। अब हमारे पास जो है ना हाइपोथैलेमस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH जिसे हम कहते हैं, वो क्या आएगा? फोलिकल के अंदर जीन्स जो है ना वहाँ का मैसेंजर RNA प्रोटीन बनाएगा, उसने कहेगा कि इनके पास होते हैं हैविंग थायरोक्सिन रेजिड्यू, वो क्या कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वहाँ से गॉल्जी अपरेटस और वहाँ से पैकिंग हो जाएगी सारी सारी। मतलब ये थायरोग्लोबुलिन चेन ये सारी की बनी है ना I2 और ये सारे, इसकी क्या होगी? कपलिंग होगी, इसकी वजह से कुछ ट्राई आयोडो थायरोक्सिन बन जाएगा, कुछ टेट्रा आयोडो। अपने फिजियोलॉजी के अंदर वो पूरे का पूरा टेबल बना हुआ है, आप वो देखिएगा कांडली, ठीक है। तो वो सारे का सारा T3 और T4 किस तरह बनते हैं उसकी सेंथेसिस अगर मेरे पास अभी पड़ा तो मैं दिखा देता हूँ। जो बाकी जो बात है T1 और T2 वो क्या करेंगे? वो दोबारा स्टोर हो जाएंगे, दोबारा साइकिल के अंदर चलेंगे और वो T2 और T3 और T4 बनाना शुरू कर देंगे, ठीक है। अब क्या है? ये बन तो गया है, स्टोर कहाँ पे होना था? मैंने कहा कोलाइड के अंदर जो है ना वो स्टोर होना है। जो ही जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो क्या होगा? T3 और T4 वेसिकल की फॉर्म में जो है ना वो एंडोसाइटोसिस के सेल के अंदर, वहाँ से क्या होगा? लाइसोसोम के पास जाएगा, वहाँ से रिलीज करेगा T3 और T4, वाइल T2 और T3 जो है ना वो री अपटेक हो जाएगी आयोडीन साइकिल सारी का सारा करता। मतलब आयोडीन साइकिल में क्या, जब ज़रूरत पड़ेगी तो एंडोसाइटोस हो जाएगा वो सारे का सारा T3 और T4, ठीक है। मतलब वो फोलिकल्स के अंदर जो है ना वो बना हुआ था जो वेसिकल, वहाँ से निकलेगा और क्या करेगा कि ये T3 और T4 के रिलीज करवा देगा, लेकिन जो T2 और T1 है उसको री अपटेक करवा लेगा ताकि इसको दोबारा यूज़ कर सके। तो गाइस इस डायग्राम को गौर से देखें। आयोडीन आयोडाइड की फॉर्म में, आयोडाइड आई नेगेटिव की फॉर्म में जब उसकी ऑक्सीडेशन परऑक्सीडेज एंजाइम की मौजूदगी में, तो आयोडीन जब सेल के अंदर आ गई, सेल के अंदर क्या है? फोलिकुलर सेल है ये सारे का सारा। उसके बाद क्या होगा? ये ऊपर से आयोडीनेशन इसकी होगी आयोडीनेज एंजाइम की, टायरोसिन फिर क्या कर देगा इसके अंदर वाले को? ये सारे का सारा थायरोग्लोबुलिन दिखा रहा हूँ, ये सारे का सारा बड़ा सारा फोलिकुलर सेल है और ये छोटा सा ये एक डब्बा है ये थायरोग्लोबुलिन है, ठीक है। अब क्या होगा? यहाँ टायरोसिन आ रहा है, वो क्या करेगा? इसको आयोडीनेशन जो है ना वो इसको करेगा MIT, मतलब मोनो आयोडीन टायरोसिन और डाई आयोडो टायरोसिन हो गया। अब जो है ना ये मोनो और डाई मिलके डाई आयोडो और मोनो मिलके ट्राई आयोडो बना देंगे, जबकि दोनों डाई और डाई मिलके क्या बना देंगे? टेट्रा आयोडो, ठीक है। ये फिर यहाँ से क्या करेगा? थायरोग्लोबुलिन से निकल के फोलिकुलर सेल से एक्सोसाइटोस हो जाएगा T3 और T4, जबकि जो बाकी है ना वो T1 और T2 वो री यूज होता रहेगा। एक टायरोसिन आपने याद रखना है हार्मोन का ना, ये अमीनो एसिड का, ये इन्वॉल्व होता है। बस ये एक बात दिखानी थी आपको।
अच्छा उसके बाद आते थायराइड हार्मोन की सेक्रीशन कैसे होगी। बेसिकली कुछ भी नहीं है इतना इंपॉर्टेंट है क्या है थायराइड हार्मोन सेक्रीशन। जैसे सपोज करें यहाँ से हाइपोथैलेमस है, ये नीचे सारे का सारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास होते हैं थायरोट्रॉप्स। थायराइड रिलीजिंग हार्मोन जो है ना क्या करता है, ये थायरोट्रॉप्स के पास आता है एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। हाइपोथैलेमस से एंटीरियर पिट्यूटरी के पास सिग्नल आया, सिग्नल से यहाँ थायरोट्रॉप से TSH रिलीज हुआ, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से। थायराइड ग्लैंड के पास क्या एक्सोसाइटोस करवाएगा T3 और T4 को ब्लड के अंदर, मतलब एक्सोसाइटोस हमने करवाना है ना, यहाँ मैंने आई थिंक एंडोसाइटोस लिखा, एक्सोसाइटोस होना चाहिए ठीक है। तो ये क्या होगा कि सारे का सारा T3 और T4 जो है वो ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाएगा, जिसको डेफिशिएंसी होती है उसका वो थायराइड हार्मोन लेवल कम हो जाता है। ये सारे का सारा मैंने थायराइड हार्मोन बनाया हुआ। अब क्या है थायरॉक्सिन बाइंडिंग प्रोटीन जो है ना वो T3 और T4 के साथ 90% अगर 100% है ना, तो इसमें से 90% है वो थायराइड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ के रहेगा, जो 10% है वो खुलेआम आवारा गर्द होते हैं ठीक है। वो क्या होते हैं स्टीराइडल इन नेचर होते हैं, लिपिड सोल्यूबल होते हैं, इजीली क्रॉस दी मेम्ब्रेन होता है और अपना एक्शन जल्दी से परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा क्या है ये फ्री फॉर्म में जो होते हैं ना गोज टू टारगेट सेल परफॉर्म देयर फंक्शन, वही मैंने बात लिखी हुई। T3 क्या होता है, ये क्या होता है रिसेप्टर थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट होते हैं सेल के अंदर, उनके पास जाते हैं वहाँ से क्या करते हैं इफेक्ट करते हैं जीन को, जीन से ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन अपना काम पूरा करवा लेते हैं। TRE मतलब थायराइड रिस्पॉन्स एलिमेंट के ऊपर T3 ने एक्ट करना होता है। अच्छा मैंने कहा था कि T3 जो है ना वो पोटेंशियल ज़्यादा होता है, T4 का हाफ लाइफ टाइम ज़्यादा होता है या T3 का पोटेंशियल ज़्यादा। T4 भी जो है ना वो मोनो आयोडीनेज एंजाइम की मदद से T3 में पहले कन्वर्ट होता है फिर ये एक्शन करवाता है, T4 एक्शन नहीं करवाता अपना, बस एक बात ये रखनी है। अब बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है थायराइड हार्मोन के जल्दी से बताऊँगा। इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट लिपिड हो गया प्रोटीन हो गया, इफेक्ट ऑफ थायराइड ऑन कार्बोहाइड्रेट के ऊपर क्या होता है ये मेंटेन करता है, ना तो हाइपोग्लाइसीमिया होता है ना हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है, मतलब अगर कम है तो ज़्यादा कर देगा शुगर को, शुगर ज़्यादा है तो उसको कम करने में हेल्प इन करता है ठीक है। GIT में क्या करता है एब्जॉर्प्शन को ग्लूकोज को इंक्रीज करवा सकता है जब ज़रूरत होती है, ग्लाइकोजन की ब्रेकडाउन करवा सकता है नॉन कार्बोहाइड्रेट से और ग्लूकोनियोजेनेसिस वाला सारे का सारा अमल करवा के क्या करेगा ये मे लीड टू हाइपरग्लाइसीमिया ठीक है। बट थायराइड आल्सो स्टार्ट ग्लाइकोलाइसिस होंगे, मतलब ग्लूकोज को तोड़ से हम ATP बना सकते हैं, मतलब अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो गया तो वो उसे तोड़वाएगा भी और ATP भी बनाएगा ताकि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन रहे, बस एक बात एक है अभी याद रखें। इसके अलावा क्या है कि एक्सेस अगर ग्लूकोज होगा तो क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस HMP शंट में चला जाएगा या फिर TCA साइकिल में, मेंटेन करेगा नॉर्मल स्टेट ऑफ ग्लूकोज को ये, अगर एक्सेस में है वही है ना तो मैंने क्या कहा ATP होने बनानी है तो TCA साइकिल में जाएगा, HMP शंट में ग्लाइकोलाइसिस का पूरे का पूरा पाथवे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 1,6-बी-ग्लिसरल डाइहाइड्रोक्सीसीटोन वो फिर पाइरूवेट तक एंड तक जाएगा ना। अगर एक्सेस थायराइड होगा तो क्या होगा एक्सेस ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा जिसकी वजह से हाइपरग्लाइसीमिया होगा और इसके अंदर क्या होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाए, जिन लोगों का थायराइड हार्मोन का मसला होता है ना उनके जो है ना वो ग्लूकोज लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अब क्या होता है कि वो थायराइड की वजह से जो है ना इंसुलिन की रेजिस्टेंट हो जाती है सेल की वजह से। उसके बाद जो है ना वो है फैट मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या है बीटा ऑक्सीडेशन और फैटी एसिड करवाता है एसिटाइल कोए किसके अंदर जाए TCA साइकिल के अंदर, वो गोल सा जो साइकिल आपने देखा होगा वहाँ से क्या होता है एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP और NADPH और FADH की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है। कोलेस्ट्रॉल के ऊपर क्या है कि कोलेस्ट्रॉल कन्वर्ट करने टू द बाइल हो गया एक्सक्रीट इन द यूरिन हो गया, सिंपल यही है। इसके अलावा अगर HMP की बात करें तो ग्लाइकोलाइसिस जो होता है ट्राइसाइल ग्लिसरॉल और डाइसाइल ग्लिसरॉल में इसको कन्वर्ट कर देता है, बस यही बात है। अगर हाइपोथायराइड मतलब जिसका थायराइड कम लेवल है तो उसके क्या होता है कोलेस्ट्रॉल उसका डिपॉजिट होना चाहिए जिसकी वजह से एक डिजीज़ होती है जिसमें एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब ब्लड वेसल के अंदर जो है ना वो क्लॉटिंग हो जाती है। इसके अलावा जो है ना वो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के ऊपर क्या अगर जो थायराइड का लेवल नॉर्मल है तो प्रोटीन की एनाबॉलिज्म करवाता रहेगा, मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने में इसका रोल है अगर नॉर्मल लेवल में। अगर एक्सेस में आ गया ना मतलब हाइपरथायरायडिज्म की कंडीशन है तो ये क्या करेगा प्रोटीन की ब्रेकडाउन करवाएगा। अगर आपने हाइपरथायरायडिज्म का पेशेंट देखा हो ना तो वो दिन ब दिन ना वो वेट लॉस करता जाता है, इसकी वजह यही है कि एक्सेस की सूरत में ये कैटाबोलाइज करवाता है। अगर हद से ज़्यादा लो है ना नो प्रोटीन गेन तो ये मतलब अब हद से ज़्यादा कमी हो गई है तो इसने प्रोटीन गेन ही नहीं करवाना मतलब एनाबोलाइज ही नहीं करवाना तो क्या होगा मसल वीकनेस ही होगी और तो कुछ नहीं होगा ना, तो बस ये गाइए सिंपल था। अब नेक्स्ट मैं स्टेराइड सिंथेसिस जल्दी से डिस्कस करूँगा, दो वीडियो में हमने काफ़ी सारा बायोकेम का ये कवर कर लिया। थैंक यू सो मच, वीडियो मैंने करी यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन।